हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को हम किस तरीके से लिखना सिखा सकते हैं। पहले इस प्रकार एक कॉपी देना है, कॉपी में हमें पेंसिल पकड़वाना है उनके हाथों में, और हमें खुद भी पेंसिल पकड़ना है। अब हमने बच्चों को बोला कि बेटा चलो आपको जो आ रहा है वो बनाओ। तो जैसे मैंने अपने बच्चों के साथ जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी ऐसी पेंसिल पकड़ के और एक मेरे बेटे के हाथ में दी थी। तो हमें सबसे पहले बच्चों को पेंसिल पकड़ना और उसे चलाना सिखाएंगे। तो मेरे बेटे के लिए मैंने इस तरीके की पेंसिल यूज़ करी थी जो उसे पकड़ने में उसे पकड़ते आ रही अच्छे से आती थी। इस तरीके की पेंसिल जब मैंने दी थी तो उसके हाथ से ये पेंसिल फिसल रही थी और इसे अच्छे से पकड़ते बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाली पेंसिल दी थी तब वो उसे थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के उसे चला रहा था। इस प्रकार की पेंसिल बच्चे के हाथ में पकड़वाना है और एक पेंसिल आपने पकड़ना है। तो अब हमने जब पेंसिल पकड़वा ली है बच्चे के हाथ में, तो अब हम भी चालू हो जाएंगे और हमारे साथ बच्चे भी चालू हो जाएं। तो हमने ऐसा 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 इस तरीके से पेंसिल चला के उन्हें बताना है, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा भी उसका हाथ जहाँ भी घूम रहा हो उन्हें इस प्रकार से हमें पेंसिल चलाना बताना है। तो अगर आपका बच्चे को ये प्रैक्टिस आपको बार बार करवाना है, उसे इस प्रकार से पेंसिल चलाना और पकड़ना बताना है हमें सबसे पहले, तो ये जब हमारा बच्चा अच्छे से पेंसिल पकड़ना और चलाना सीख जाएगा तो अब हम इसके बाद हम दूसरी प्रोसेस पे आते हैं, और वो है हमारी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो हमें करना क्या है, हमें इस प्रकार से ड्राइंग बनाना है। हमें कुछ इस तरीके से ड्राइंग करना है। तो सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, अगर आपकी ये ड्राइंग अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो हमें इस प्रकार से बादल बनाना है, और बादल बनाते हुए हमें उन्हें एक पोएम सुनाना है। तो पोएम हम कौन सी सुनाएंगे, बादल राजा जल्दी से पानी बरसा जा, फूल नन्हे मुन्ने झुलस रहे हैं पानी को तरस रहे हैं। इस प्रकार से आप कोई भी पोएम उनको गाते हुए इस प्रकार से ये बारिश बना दीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से ये तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका जो बच्चा है उसके माइंड में वो जब गाना उसके माइंड में आएगा तो उसे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये बादल है और इस तरीके से पानी आता है ऐसा इस तरीके से। तो उसे इसी तरीके से हमें सिखाना है, ये देखो बेटा ये बादल है और ये बारिश हो रही है, ये देखो। और बच्चे वे चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्टैंडिंग लाइन उसे सिखानी है। अब उसके बाद आती है स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन कैसे सिखाना है हमारे बच्चों को, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें बनाना है नदी बनाना है। तो अब हमने समझ लो ये हम नदी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फिश बना देते हैं। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाइए, मुझे ड्राइंग इतने अच्छे से नहीं आती है। हमें इस प्रकार से कुछ फिश बना देना है। इस प्रकार से अब हम उन्हें एक गाना गा के बताएंगे। अब वो गाना कौन सा है, आप तो पहले ही समझ गए होंगे फिश देख के। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। जैसे हमें उनके साथ गाना गाना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस तरीके से हम उन्हें इस प्रकार से पानी बताएंगे कि ये देखो बेटा मछली
जो है वो पानी में रहती है, और इस प्रकार से हम नदी बनाते हुए उन्हें स्लीपिंग लाइन भी सिखाएंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया है स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन का। तो ये तरीका आप अपने बच्चों के साथ जरूर आजमाना। इस तरीके से आपके बच्चों को स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन जरूर बताना, वो बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, पर ये जो ये ड्राइंग है ये आपको उन्हें कंटिन्यू सिखाना है। ऐसा नहीं कि आपने आज सिखा दिया और कल नहीं सिखा रहे, परसों नहीं सिखा रहे, ऐसा नहीं है। आपको इसे सिखाने के लिए आपको इसे कंटिन्यू सिखाना है, अपने बच्चों को लेके बैठना है और इस प्रकार से सीखना है। अगर मैं मेरे बेटे की बात करूँ तो मेरे बेटे को मैंने इसी प्रकार से, मैं अभी सिखा रही हूँ उसे, और वो बहुत अच्छे से सीख रहा है। पहले दिन तो वो नहीं कर पाया था, बट अब मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा देखो ये बादल बना है, बादल राजा पानी बरसाएगा। तो वो खुद ही बोलता है कि मम्मा पानी कैसे बरसाएगा। तो मैं उसे खुद बताती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे, तो वो फिर खुद ही पेंसिल लेके वो इस प्रकार से लाइन खींचने लग जाता है और बोलता है मम्मा देखो मैंने ये बारिश बनाई है, ये देखो मम्मा ये बारिश है, बारिश है, इस प्रकार से वो मुझे बताता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप भी आपके बच्चों के साथ इसी तरह स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की लाइन बनाना सिखाइए। और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।